पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में आज फिर मतदान है। हिंसा वाले पोलिंग बूथों पर आज मतदान होगा, पुनः मतदान होगा। बीजेपी की शिकायत के बाद आपको बताएं कि ईसी का दरअसल ये बड़ा फैसला था, जिसमें पुरुलिया, बीरभूमि, जलपाईगुड़ी में दरअसल पुनः मतदान किया जाएगा। उत्तरी और दक्षिण 24 परगना में भी पुनः मतदान होगा। तो पुनर्मतदान की खबर आपको बताएं, 46 और 36 बूथों पर आपको बताते चले कि पुनर्मतदान किया जाएगा। वहीं इसके अलावा मुर्शिदाबाद में 175 बूथों पर पुनः मतदान होगा। मालदा में 112 बूथ पर पुनर्मतदान होगा। नादिया में 89 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपको बताएं कि हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही थी, किस तरीके से ईवीएम एक शख्स लेकर भागता हुआ जो है वो दिखाई पड़ा था, तस्वीरें किस तरीके से सामने आती इसको देखते हुए दरअसल ईसी ने यह बड़ा फैसला लिया था बीजेपी की शिकायत के बाद, जिसके बाद अब आज अलग अलग जगह पर जो है पुनर्मतदान को लेकर लगातार जो है सुबह से ही जो है वोटिंग वो जारी है। इसी कड़ी में आपको बताते चलें कि कई इलाकों में 46 और 36 बूथों पर पुनर्मतदान किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में 175 बूथ पर मतदान हो रहा है। मालदा में 112 बूथों पर पुनर्मतदान हो रहा है। नादिया में 89 बूथों पर मतदान हो रहा है। एक बार फिर से तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में आज फिर मतदान किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई आपको बता दें। दरअसल कई जगह पर जहां पर हिंसा हुई थी लगातार बीजेपी की शिकायत के बाद, ईसी ने दरअसल पुनः मतदान का फैसला किया, जिसके बाद आज कई बूथों पर जो है पुनर्मतदान कराया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दरअसल पश्चिम बंगाल में हिंसा वाले पोलिंग बूथों पर आज फिर से जो है मतदान कराया जा रहा है। बीजेपी की शिकायत के बाद ईसी का ये बड़ा फैसला सामने आया था, जिसमें कई इलाकों में जो है पुनर्मतदान का जो है आदेश दिया गया था। उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना में भी पुनर्मतदान हो रहा है। 46 और 36 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है। उसके अलावा मुर्शिदाबाद में भी 175 बूथों पर मतदान फिर से कराया जा रहा है। मालदा में 112 बूथ पर पुनर्मतदान कराया जा रहा है।